हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में आपको प्ले स्टोर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके प्ले स्टोर में से जो है ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हो रहे, यहाँ पर से पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपका जो डाउनलोड नहीं हो रहा, पेंडिंग ही आपका जो है ऐसे शो हो रहा है, या आपका प्ले स्टोर ओपन ही नहीं हो रहेगा, इस प्ले स्टोर पर क्लिक करने से प्ले स्टोर का लोगो आके ऐसे अटक जा रहा है, या प्ले स्टोर जो बार बार कट हो जा रहा है, आप लोगों को जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह जो है इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रहा है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में प्ले स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे गाइस सब शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर से आपको प्ले स्टोर के ऐप को ढूंढ लेना। आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी ढूंढ सकते हो और नॉर्मली स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ होगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा गूगल प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, तो इस स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते क्लियर डाटा का ऑप्शन आएगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लियर कैची पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा और कैची फाइल्स वगैरह होते हैं गाइस गूगल प्ले स्टोर का, वो सब यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे। जो भी प्ले स्टोर के सेटिंग्स वगैरह होते हैं गाइस सारे यहाँ पर से रीसेट हो जाएंगे, और आपका जो गूगल प्ले स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे गाइस वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।